press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello student, welcome back to Sri Shyam Group of Education. Now our topic is prime factor, मतलब अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये है कि हमें एक संख्या दे दी जाएगी, हमें एक संख्या दे दी जाए और उसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना हो, मतलब उस संख्या को, दी गई संख्या को हमें अभाज्य संख्याओं से भाग करें। कौन कौन सी अभाज्य संख्या है जिससे वो भाग होती जा रही है, और लगातार सिस्टम किस तरह से होगा? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है या क्या होती है? अभाज्य संख्या वह संख्या है जो एक, आपको पता है एक है, एक के पाड़े में तो सारी संख्या आती है, एक वह स्वयं संख्या या तो जो दी गई संख्या है, कोई भी संख्या हो, वो या तो एक से भाग होती है या स्वयं संख्या। स्वयं संख्या का मतलब है खुद से, डायरेक्ट हम नॉर्मल एक छोटे से रूप में बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जो सिर्फ खुद के ही पाड़े में आती है, स्वयं के पाड़े में आती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दो, तीन। दो है वो खुद के ही पाड़े में आ रहा है, तीन है वो खुद के पाड़े में आ रहा है। खुद के पाड़े का मतलब स्वयं के पाड़े में, अन्य किसी दूसरे के पाड़े में, दूसरी संख्या के पाड़े में न आए। इसी प्रकार आगे हम चार देखते हैं, चार देखते हैं तो आपको ये पता है कि चार है वो दो से, दो के पाड़े में आ रहा है, तो हम वो नहीं लिखेंगे अभाज्य संख्याओं में। चार के बाद में पांच, अगर पांच की बात कर रहे हो तो पांच है वो स्वयं के पाड़े में आता है। इसी प्रकार आगे छह आएगा क्या? छह किसके पाड़े में आता है? दो के पाड़े में। इसी प्रकार सात, सात है वो स्वयं के पाड़े में आ रहा है। सात के बाद में आठ आता है, आठ दूसरे के पाड़े में आता है, और अदर संख्या के पाड़े में, दो के पाड़े में बोल सकते हो, चार के पाड़े में बोल सकते हो। नौ इसके बाद में, नौ है वो दूसरे संख्या के, जो दूसरी संख्या के पाड़े में आ रहा है वो अभाज्य संख्या नहीं है, उनको जोड़कर लिखना है। नौ के बाद में दस, दस भी आ रहा है अदर में। ग्यारह, ग्यारह है वो स्वयं के पाड़े में आ रहा है। ग्यारह के बाद में बारह नहीं होगा। फिर तेरह होगा क्या? हाँ होगा। चौदह दूसरे के पाड़े में आ रहा है, पंद्रह भी दूसरी संख्या के। सोलह अदर संख्या में दो से भाग हो रहा है। सत्रह, सत्रह है वो स्वयं के पाड़े में आ रहा है। इसी प्रकार आप यहां पर कितने भी अभाज्य संख्याएं, कम से कम यहां पर आप सौ तक आप इस लिखकर देख सकते हो। तो ये अपना अभाज्य संख्या का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो इसमें हम इस अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से क्या कर सकते हैं? लघुतम समावर्तक निकालना, लय से निकालना, महत्तम समावर्तक निकालना, और वर्गमूल, वर्ग ज्ञात करना, वर्गमूल वाले, वर्ग वर्गमूल, घन, घनमूल इत्यादि बहुत से ऐसे सवाल है जिनको हमें हल कर सकते हैं। आपका जो लघुत्तम समावर्तक, लय से निकालते हैं, वो सारे इस तरह के जितने भी सवाल है वो आप इसे अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से कर सकते हो। तो इन सवालों को, इस तरह के सवाल आ जाए तो उनको सॉल्व करने से पहले आपको अभाज्य गुणनखंड के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला सवाल ध्यान दें, जैसे आठ है, आठ का आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड,
अभाज्यगुणनखंड में आठ है, अभाज्यगुणनखंड निकालने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम ये लाइन लगाते हैं इस तरह से, गुणनखंड, गुणनखंड तो आपने लास्ट वीडियो में किया था, लेकिन गुणनखंड हो रहा है भाज्य गुणनखंड में, यही अंतर है। गुणनखंड में होता है कि वो कौन सी संख्या से भाग होता है, कौन कौन सी संख्याओं में, इसमें सारी शामिल हो जाती है, और अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ ये संख्याएं शामिल होती है जो स्वयं के पाड़े में या एक के पाड़े में आती है। सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन सी है? दो। तो दो से इसको भाग करके देखते हैं, दो के पाड़े में कितने पर आता है? आठ, चार पर। वेरी गुड। अब चार है, फिर जब तक एक संख्या का भाग होता रहे तब तक हम वापस रिपीट करते जाएंगे। आगे दो से फिर हो रहा है, तो दो दुनी चार, दो के पाड़े में दो पर आ रहा है, फिर यहां पर दो के पाड़े में, यहां पर जिसके पाड़े में आ रहा है वो, और कितने पर आ रहा है वो इस तरफ रहेगा, तो दो के पाड़े में कितने पर आ रहा है? दो, एक पर। तो आठ की अभाज्य गुणनखंड क्या बन गए अपने पास? अभाज्य गुणनखंड क्या क्या बन गए? दो गुना दो गुना दो गुना एक। इसी तरह का एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 64। तो यहां पर 64 को सॉल्व करेंगे इसी प्रकार से, क्या होगा? दो के पाड़े में आ रहा है। अब आपने विभाज्य के नियम पढ़े थे, हमने लास्ट वीडियो में, इससे पहले हमने बताया था विभाज्य के 1 से 20 तक नियम, उनके आधार, उन वो आपको याद हो जाए तो ये अभाज्य गुणनखंड है वो करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे अभी संख्या को देखना है, दो से भाग हो रहा है कि नहीं, तो इकाई का अंक कितना है? अभी चार है, तो इकाई का अंक सम संख्या है, तो ये किससे भाग होगा भाई? दो से भाग होगा। तो दो से भाग करने का तरीका क्या है? सबसे पहले क्या है? छह, छह इससे बटाए ना, तो दो तिया छह पूरा आ गया, आगे क्या रह गया? चार। तो दो के पाड़े में चार कब आता है? दो। आगे फिर दो से फिर भाग हो रहा है ना, इकाई का अंक कितना है? दो है, सम संख्या है, या दो से भाग हो रहा है, तो दो पर। यहां पर तीन, तीन बटा है तीन से, कम तीन एक कम तीन, एक पर, तो कितना शेष रह गया? यहां पर एक रह गया, आगे कितना है? दो, बारह बन गया। तो दो के पाड़े में बारह कब आता है? छह पर। अब दो का पाड़ा आप डायरेक्ट बोल सकते हो, दो आठे सोलह, दो चौके आठ, दो दुनी चार, और दो एकम दो। तो इस तरह से 64 है, उसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से बन गए? दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो। 64 का ये क्या बन गया? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड है वो गुणा के रूप में लिखे जाते हैं, इस तरह से संख्याओं को हमें लिखकर। नेक्स्ट है एक एग्जांपल और। अगर हम एक संख्या लेते हैं थोड़ी बड़ी, 1296। 1296 क्या लिया? 96 लिया। तो 1296 है, अब बताओ दो से भाग होगा कि नहीं? पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? दो है, दो से विभाज्य होगा, दो छिके 12, कितने पर गए आगे? 12 पूरा कंप्लीट आ गया, आगे 9 रह गया, 9 रह गया तो कितने पर आएगा? 4 पर। 2 चौके 8, कितना रह गया? 1, 1 से ये कितना बन गया? 16। तो 2 8 16, फिर आगे 2 से डिवाइड होगा, अंतिम अंक क्या है? 8 है, 8 है तो ये क्या है? 2 से डिवाइड होगा, 2 तिया 6, 2 दुनी 4 और 2 चौके 8, फिर से 2 से डिवाइड होगा, अंतिम सम संख्या है, तो 2 एकम 2, यहां पर 1 रह गया, 2 एकम 2 होता है, शेष कितना रह गया? 1, और यहां कितना है? 2, तो 1 और 2 को मिलाते कितना बन गया? जैसे 12 बन गया, तो 2 छिके 12, और आगे 2 दुनी 4, फिर 2, 2 के पाड़े में फिर आता है, 2 आठे 16, 2 एकम 2। अब फिर जांच करते हैं, दो के पाड़े में आता है क्या? अंतिम अंक क्या है? अभी एक है, अंतिम अंक कितना है? एक है,
तो एक है वो दो के पहाड़े में सम, न तो सम संख्या है और नहीं दो के पहाड़े में आता है, तो यहां पर ये दो से विभाज्य नहीं होगा। तो दो के बाद में अब क्या देखेंगे, हमें तीन देखेंगे। तीन का नियम क्या कहता है, विभाज्य का नियम, कि अंकों का योग कितना होना चाहिए तीन से विभाज्य। यहां अंकों का योग कितना आ रहा है, आठ और एक नौ, नौ आ रहा है, नौ तीन के पहाड़े में आता है, तो यहां पर क्या होता है तीन के पहाड़े में ये कब आता है, सत्ताईस पर। तो जैसे तीन दुनी छह आ गया, आठ से कितना कम है दो, दो के आगे एक लगा दिया कितना बन गया इक्कीस, इक्कीस बन गया। तो यहां पर तीन सत्ता इक्कीस, अभी तीन का पाड़ा बोलना यहां पर और आसान हो जाएगा, तीन निम सत्ताईस, फिर तीन के पाड़े में नौ कितने पर आता है, तीन दिया नौ और तीन एक कम तीन, इस तरह से ये 1296 के अभाज्य गुणनखंड बन गए। कौन कौन से, दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना तीन गुना तीन गुना तीन गुना तीन गुना एक, एक आगे लगाना है तो लगा दो वरना जरूरी नहीं है। तो ये इसके 1296 के अभाज्य गुणनखंड मिल गए। इसी प्रकार एक हम करते हैं चौथा, बयालीस सौ पच्चीस, कितना बयालीस सौ पच्चीस, तो बयालीस सौ पच्चीस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो बयालीस सौ पच्चीस, तो सबसे पहले हम देखते हैं दो से विभाज्य है क्या नहीं है, अंतिम अंक न तो जीरो है नहीं दो सम संख्या है तो नहीं होगा। फिर देखते हैं तीन से, तीन से विभाज्य का नियम क्या कहता है, अंकों का योग है वो तीन से विभाज्य होना चाहिए। तो चार दो छह और दो आठ, पांच तेरह, इनके अंकों का योग कितना बन रहा है तेरह बन रहा है थर्टीन, तो वो तीन के पहाड़े में नहीं आता। फिर देखते हैं तीन के बाद में क्या आता है, पांच, पांच पर देखेंगे, पांच में इकाई का अंक क्या होना चाहिए भी जीरो या पांच होना चाहिए, तो यहां पर पांच मिल रहा है, पांच से विभाज्य होगा। तो भाग करते हैं, अब आपको आने लग गया होगा कितने पर आता है, पांच अठा चालीस, कितना रह गया दो, तो यहां पर कितना रह गया बाईस, तो पांच चौके बीस, कितना रह गया फिर दो, दो से आगे पांच लगाया तो कितना बन गया पच्चीस, तो कितना पांच के पाड़े में पच्चीस, पांच पर फिर से पांच मिल रहा है, पांच से भाग होगा, पांच एकम पांच, कितना रह गया तीन और बना कितना चौंतीस, तो पांच के पाड़े में चौंतीस से कम पांच के तीस, चार रह गया और पैंतालीस बन गया, पैंतालीस आता है पांच नीम पैंतालीस, अब पांच से भाग होगा दोबारा, इकाई का अंक न तो जीरो है नहीं क्या है अभी पांच है, नहीं जीरो है नहीं पांच है। अब आगे हम देखते हैं पांच से नहीं हो रहा, तो पांच के बाद में किसको चेक करते हैं, सात से, तो सात का नियम क्या कहता है, इकाई के अंक का दुगुना कर से संख्या में घटा दो, इकाई का अंक कितना है नौ, नौ का दुगुना कितना है अठारह और शेष संख्या कितना है अभी सोलह, सोलह में से अठारह हम घटाएंगे तो कितना आ जाता है माइनस का दो, माइनस का दो आ जाता है, वो सात से विभाज्य नहीं है अभी। फिर उसके बाद में देखते हैं ग्यारह, ग्यारह से विभाज्य क्या कहता है कि सम स्थानों और विषम स्थानों के योग का अंतर या तो जीरो होना चाहिए या कितना होना चाहिए, ग्यारह से विभाज्य होना चाहिए, ग्यारह का गुणन जो होना चाहिए। तो यहां पर एक और नौ कितना हो गया दस, दस में से छह घटाएंगे तो कितना रह गया भाई चार, ये न तो जीरो है नहीं ग्यारह के गुणज में आता है तो ग्यारह से विभाज्य नहीं है। तेरह से विभाज्य, आगे इसके बाद में क्या देखेंगे, तेरह से विभाज्य है कि नहीं है, तो तेरह से विभाज्य का नियम क्या कहता है, इकाई के अंक का, इकाई के अंक का चार गुना कर दो, नौ चौके छत्तीस, छत्तीस आगे इकाई के अंक का चार गुना करके शेष संख्या में हम इसको क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, तो शेष संख्या यहां पर नौ को छोड़कर क्या रहेगी सोलह, सोलह में छत्तीस जोड़ दो,
छह और छह बारह, असल एक तीन चार और एक पांच। अब तेरह के पहाड़े में बावन आता है क्या, तेरह चौके बावन, तो मतलब ये तेरह से क्या है भी विभाज्य होगी। तो तेरह के पहाड़े में ये कितने पर आता है, तेरह एकम तेरह, कितना रह गया तीन, तेरह दिया उनतालीस, तो 4225 है इसका अभाज्य गुणनखंड, क्या बन गया पांच गुना तेरह गुना तेरह, ये यहां पर इसके अभाज्य गुणनखंड मिल गए। इन्हीं के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि यहां पर इनके वर्गमूल, घनमूल इत्यादि ये सारे के सारे क्या होंगे। जैसे वर्गमूल की बात करें तो हम यहां पर एक संख्या लेते हैं जैसे चौसठ, चौसठ है, इसमें वर्गमूल करेंगे तो हम क्या करते हैं भाई, दो दो के जोड़े बनाते हैं, कितने कितने के, दो दो संख्याओं के, यहां पर चौसठ है, एक समूह बनाया जाता है, ये कितने समूह बन गए, दो का एक ये बन गया गुणा, दो का एक और बन गया गुणा, दो का एक और बन गया, तो यहां पर इसका वर्गमूल क्या होगा, अगर वर्गमूल, वर्गमूल का निशान क्या होता है, जैसे ये चौसठ लिख दिया, इसका वर्गमूल अगर हमें निकालना है तो यहां पर क्या आ जाएगा, दो दुनी चार दुनी आठ आ जाएगा। इसी सवाल में अगर हम घनमूल की बात करें, जैसे ये चौसठ है, चौसठ का हमें क्या निकालना हो, घनमूल, घनमूल मतलब तीन तीन के समूह चाहिए अपने को, कितने कितने के समूह चाहिए अपने को, तीन तीन के समूह चाहिए, तो यहां पर देखो जरा, तीन का एक समूह बन गया दो का, और एक और बन गया तीन का समूह दो, तो यहां पर दो एक बार और एक और बन रहा है तीन बार, क्या बन रहा है वो, दो बन रहा है, तो चौसठ का घनमूल कितना होगा भाई, करेंगे तो चार।